पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के तत्वाधान में आयोजित 12वीं अखिल भारतीय पुरुष और महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का सेमीफाइनल मैच शनिवार को सैयद मोदी स्टेडियम में खेला गया। चैंपियनशिप का पहला सेमीफाइनल मैच पुरुष वर्ग का पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और पश्चिम रेलवे मुंबई के बीच खेला गया, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे ने पश्चिमी रेलवे को 32-22 के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसी चैंपियनशिप का एक अन्य मैच महिला वर्ग में दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर और दक्षिणी मध्य रेलवे हैदराबाद के बीच खेला गया, जिसमें दक्षिणी मध्य रेलवे हैदराबाद ने पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर को 11-17 के अंतर से हराया। इससे पूर्व चैंपियनशिप के तीसरे दिन प्रथम पाली में वरिष्ठ उप महाप्रबंधक निखिल पांडे एवं द्वितीय पाली में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण सुधांशु शर्मा के मुख्य आतिथ्य में हैंडबॉल प्रतियोगिता हुई। मुख्य अतिथियों ने खिलाड़ियों, कोच एवं तकनीकी अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर उनके साथ पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के पदाधिकारी तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बुढ़े कोई बात नहीं, बुढ़े कितना